यूपी में कोरोना से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई चिंता, यूपी सरकार को दी है लॉकडाउन की सलाह। 3 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन में गए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पीएसओ की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन लिया फैसला। आज हरिद्वार में अखिल भारतीय खड़ा परिषद की अहम बैठक, कई प्रस्ताव किए जा सकते हैं पारित। संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का बिना अवकाश के चलेगी संसद की कार्यवाही। बिकरू की खूनी रात का एक और सनसनीखेज खुलासा, पुलिस वालों के बीच बातचीत के ऑडियो से सामने आई साजिश। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग पर कमर तोड़ कार्रवाई, 22 आरोपियों पर गुंडा एक्ट 12 को किया जिला पदक। टिहरी में 33 घंटे से बंद है NH 58 और NH 94, उदियाला के पास पहाड़ खिसकने से बंद है हाईवे। कानपुर में बेकाबू कार ने जमकर कहर बरपाया, स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद कार एक दुकान में जा घुसी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ, तेज रफ्तार गुजर पलटी, 3 लोगों की मौत, 15 जख्मी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हो गए, 1 बाइक से टक्कर के बाद बस गड्ढे में पलट गई। बाराबंकी में एक युवक को पीटने और हिरासत में लेने के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने बाराबंकी और बहराइच हाईवे पर जाम लगाया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 75% से ज्यादा। 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 7,975 नए केस, 848 लोगों की मौत। आगरा में पुलिस कांस्टेबल ने लोगों को गोली मारने की धमकी दी, पुलिसकर्मी पर नशे में जमकर हंगामा करने का आरोप। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला और बच्चे समेत 6 लोग घायल। आगरा में यमुना नदी में छलांग लगाकर बच्चों ने किया स्टंट, यमुना का जलस्तर बड़ा होने के बावजूद बच्चे घाट पर कर रहे हैं स्टंट। कोटा के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, किसानों की फसल बर्बाद। भारतीय सेना ने लद्दाख में कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें तैनात की, सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के कई संवेदनशील इलाके में मिसाइलों के साथ जवान तैनात। देहरादून के वाद्य इंस्टीट्यूट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का खुलासा, 37 साल में 26 किलोमीटर पीछे खिसक चुके हैं हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर के पास से ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मुंबई के वर्ली में एक इमारत की 10वीं मंजिल के एक घर से के किचन में लगी आग, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना केस के दोषी वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फेसबुक के खिलाफ दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने शुरू की है सुनवाई, 3 गवाहों ने कमेटी के सामने बयान दर्ज कराया। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। कराची में दाऊद के घर के आगे लगाई गई है बैरिकेडिंग, घर की छत पर मौजूद है एक सिक्योरिटी पिकेट। दाऊद इब्राहिम के घर का नाम व्हाइट हाउस, घर के पास ही दाऊद के भाई अनीस और नूरा इब्राहिम का घर। पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय, किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। टिकटॉक ने ठोक दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर मुकदमा, बैन को बताया चुनावी हथकंडा। रैना को यूएई में आई सुशांत की याद, वीडियो पोस्ट कर कहा, भाई तुम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहो।